एक सिवान रेलवे स्टेशन से लड़का क्रिस बनकर उड़ रहा था और ट्रेन के साथ दौड़ रहा था। उसके बाद ये आरपीएफ की टीम ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद कुछ घंटा रखा, उसके बाद घूम रहे हैं और गिरफ्तारी हो रही है हमारी, गिरफ्तारी हो रही है, टैलेंट को दबाया जा रहा है अपने बिहार में। और आप देख रहे हैं एसईओ न्यूज बिहार। कल एक सिवान रेलवे स्टेशन से लड़का क्रिस बनकर उड़ रहा था और ट्रेन के साथ दौड़ रहा था। उसके बाद आरपीएफ की टीम ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद कुछ घंटा रखा, उसके बाद इनको वहां से रिहाई कर दिया। जब मैंने उस लड़के के घर पे आया तो घर का हालात, बैकग्राउंड देखा, तो मेरे को लगा कि उनसे पूछना चाहिए आखिर बैकग्राउंड ऐसा है, फिर ऐसा आप काम क्यों करते हैं। खबर ये भी मिल रहा है कि 4 साल से इस लाइन में है, फिर इनके पास पैसा आता कहाँ से। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके घर पे आया, आपका घर का हालात देखा और आप 4 साल से ये कामें कर रहे हैं, फिर पैसा आता कहाँ से ये सब करने के लिए। हम खुद काम करते हैं और पेंटिंग का काम करते हैं और उसी से मेरा सब तैयारी होता है, खर्चा चलता है। यानी 500 के दिहाड़ी का काम करते हैं आप, 500 के दिहाड़ी से क्रिस बन के घूमते हैं फिरते हैं जी। तो ये जब खेल दिखाते हैं तो पैसा भी मिलता है या क्या करते हैं, रील बनाते हैं? अभी तक तो पैसा नहीं मिलता है क्योंकि हमारा पहचान जो है वो छुपा है, ठीक है। जिस दिन हमारा पहचान उभर जाएगा, बाहर आ जाएगा, पब्लिक हमको पहचानेगी, देखेगी किस हमारे नाम से, ठीक है, तो हमारा खुद ब खुद अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारे पास अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उस पैसे से किसी को भी हेल्प करेंगे और जो रियल मकसद है मेरा वही है, हेल्प करना किसी का भी। और इसीलिए हम ये ड्रेस पहने हुए हैं और पब्लिक सपोर्ट करेगी हमको। भले ही हम मायूस है, टूट चुके हैं, लेकिन अपना हिम्मत नहीं आ रहे हैं, खोए नहीं हैं हम अपने आप को। अभी भी हम मंजिल पे सफ़र पे जा रहे हैं अपने मंजिल के लिए। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मेरा मंजिल भी बहुत करीब होगा। एक अपने बिहार में कहा जाता है, लड़का पढ़ रहे तो पढ़ाए, नहीं तो शहर में बसाए। आप भी एक जिम्मेवार व्यक्ति होंगे, आपके घर पर बहन होगी, भाई होगी जी। आप यंग है, लगभग 23-24 साल उम्र होगी आपकी जी। आप कमा नहीं रहे घर पर, तो आपके घर में जो परिवार है, अम्मी अब्बू, ये नहीं बोलते हैं कि तू कमा नहीं रहे, कौन सा खेला कर रहा है? नहीं, बोलते हैं कि काम करना चाहिए और काम कमाओगे नहीं तो खर्चा कैसे चलाओगे। तो हम तो काम भी करते हैं, खर्चा भी चलाते हैं। और जिस दिन हमको छुट्टी मिलता है, जिस दिन काम नहीं करते हैं, उस दिन वीडियो बनाने चले गए टाइम निकाल के, तो मेरा ऐसे चलता है। आपका एम क्या है आगे चल के, आप क्या करेंगे? एक्टर बनना चाहते हैं या क्या कोई सर्कस में जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे अगर मौका मिला तो मैं एक्टर बनूंगा और जो भी मतलब मुझे मिले करने के लिए, अच्छा मुकाम हो तो मैं ज़रूर करूंगा और पब्लिक जो चाहे मैं वही करूंगा, लेकिन मेरा जो मकसद है वो एक्टर ही है। जब आप 500 के दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, फिर ड्रेस 500 के मजदूरी से या कोई आपको खरीद के दिया है, कोई हेल्प करता है, सपोर्ट करता है? नहीं, ये जो मैं मजदूरी करता हूँ उसी पैसे से ये सब तैयारी किया हूँ और ये जो ड्रेस है मैं खुद से डिजाइन किया हूँ और बाकी ये जो सारा सामान है ये ऑनलाइन। गाँव में जो लोग हैं, लोगों को सपोर्ट वगैरह मिलता है कि नहीं आपका? हाँ, सपोर्ट तो मिलता है, दोस्तों का कभी कभी मिल जाता है, लेकिन हम बिल्कुल अकेले हैं। सब जो वीडियो वीडियो बनाने जाते हैं तो बोलता है कि उसके साथ जाओगे तो तुम्हारा भी लाइफ ख़राब हो जाएगा। तो हम तो कम आते हैं, अब पढ़ने वाले लड़के तो हमारे साथ आएंगे तो सही बात है कि लाइफ ख़राब हो ही जाएगा। तो कहाँ सपोर्ट मिल पाता है, अकेले कहाँ, अब अकेले कैमरा पकड़ेंगे कि वीडियो बनाएंगे। आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन है 10th क्लास और उसमें भी फेल हूँ। 10th क्लास है उसमें भी फेल हैं जी। और क्रिस बन के जिले जिले घूम रहे हैं जी, जिले जिले घूम रहे हैं और गिरफ्तारी हो रही है हमारी, गिरफ्तारी हो रही है। टैलेंट को दबाया जा रहा है अपने बिहार में और किसी टैलेंटेड लड़के को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। अगर सपोर्ट दिल खोल के किया जाए तो हमारे बिहार में, हमारे भारत में बहुत सारे टैलेंटेड लड़के पड़े हुए हैं जो गिरफ्तारी और कार्रवाई के कारण से दब जाते हैं।